हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज हम सीखने वाले हैं कान्हा जी के लिए ये न्यू ड्रेस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये तीन कलर यूज़ करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे दो नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 0 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे 1 2 दो चेन हमने यहाँ पे बनाई है फर्स्ट। अब हम हर एक स्टिच में यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये 1 और ये 2। अब हमें हर एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो अब हम इस राउंड के एंड में पहुँच गए। सेकेंड चेन में जॉइन करके लेते हैं। तो हमने इस राउंड में हर एक स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट हमने 3 चेन बनाए और उसके बाद हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया था ऐसे फ्रंट साइड से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद एक चेन लेके हम यहाँ पे 1 2 टू टाइम्स हम ये 1 2 3 एंड 4 फोर चेन लेके ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी यहाँ पे क्रोशा हुक डाल के हम इस तरह से चेन में से पुल करेंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद सेम 1 एंड ये 2 टू टाइम्स हम यार्न रैप करके लेंगे और फिर 1 2 3 एंड 4 फोर चेन लेके हमने जो फर्स्ट चेन बनाई है यहाँ में इसमें क्रोशा हुक डाल के हम चेन में से निकालेंगे। फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के अराउंड फ्रंट साइड से ऐसे। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें जैसे हमने फर्स्ट में स्टिच बनाए वैसे ही बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया को हम फ्रंट साइड से ऐसे पिक करके इस तरह से और फिर से हम यहाँ पे एक चेन बना के दो टाइम यार्न हम इसे रैप करके लेंगे फिर 1 2 3 एंड 4 फोर चेन लेके हम जो फर्स्ट हमने चेन बनाई थी इसमें ये क्रोशा हुक डाल के फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर से 1 2 फिर 1 2 3 एंड 4 फोर बार चेन लेके हम इस तरह से। फिर से हम नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के अराउंड फ्रंट साइड से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट में एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 चेन बनाए नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हाफ डबल क्रोशिया के अराउंड से फ्रंट साइड से उसके बाद हमने ये पफ बनाया एक चेन लेके फिर से पफ बनाया फिर से सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया के अराउंड फ्रंट साइड से हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर हमने एक नॉर्मल डबल क्रोशिया हमने उसके नेक्स्ट स्टिच में बनाया और फिर से हमने यही रिपीट किया। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड के लिए रिपीट करना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। हम इस राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और हम ये थर्ड चेन में यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट राउंड इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम सबसे पहले 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद हम अभी इस राउंड में हमने फ्रंट साइड से डबल क्रोशेट बनाया था बैक साइड से हम इस तरह से जो डबल क्रोशेट हमने बनाया था इसके अराउंड से हम डबल क्रोशा बनाएंगे।
यहाँ पे फिर एक चेन लेके सेम हम रिपीट करेंगे, वन टू, वन टू थ्री एंड फोर, फोर चेन लेके हम जो चेन बनाई थी इसमें क्रोशा हुक डाल के चेन में से हम पुल करेंगे, फिर से एक चेन लेके सेम रिपीट करेंगे, वन एंड ये टू। फिर से हम नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशा बनाया था इसके अराउंड बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद दूसरे साइड भी डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट राउंड में यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाया था, अभी सेकेंड में हमारे दो डबल क्रोशे हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बैक साइड से फिर से एक डबल क्रोशा बना के फिर से हम पफ बनाएंगे। फिर से एक चेन लेके फिर से हम बैक साइड से इसके अराउंड एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। वन एंड ये टू। अब फिर से हम यहाँ पे सेम रिपीट करते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दो स्टिच बनाए, फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशा और फिर ये दो स्टिच। तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। इस राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और हम अब ये थर्ड चेन में यहाँ पे जॉइन करते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पे वन टू थ्री तीन चेन बनाएंगे और सेम हम रिपीट करते जाएंगे जैसे कि हमने पहले के राउंड में भी किया है। तो हम यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद एक चेन लेके पफ बनाएंगे। अब हमने सेम ही रिपीट किया जैसे हमने पहले दो राउंड में किया था। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे अब तीन डबल क्रोशा हम बनाएंगे, ये वन और ये थ्री। फिर से हम सेम ही रिपीट करेंगे, बैक साइड से एक डबल क्रोशा बना के हम यहाँ पे एक चेन लेके इस तरह से पफ बनाएंगे। आगे सभी राउंड में हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। इस राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और अब हमें थर्ड चेन में यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। इसके आगे के सभी राउंड हमें इसी तरह से रिपीट करते जाना है, सिर्फ हम यहाँ पे बीच में हमारे डबल क्रोशेट बढ़ते जाएंगे। जैसे कि पहले फर्स्ट राउंड में यहाँ पे वन था, सेकेंड में दो हो गए, थर्ड में तीन, अभी फोर्थ में हमारे चार बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन चेन्स बनाए हैं और नेक्स्ट में हम यहाँ पे वही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो पफ स्टिच बनाए हैं। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। फिर से हम यहाँ पे बैक साइड से एक डबल क्रोशा लेके यहाँ पे फिर से दो पफ बनाएंगे। हम इस राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और हम ये जॉइन करके लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम तीन चेन बनाएंगे और फिर से हम बैक साइड से डबल क्रोशा बना के यहाँ पे फिर से वो पफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पे पांच डबल क्रोशा बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इस राउंड में हमने यहाँ पे पांच डबल क्रोशा बनाए।
अब फिर से हम बैक साइड से एक डबल क्रोशा बना के हम दो पफ बनाएंगे और फिर हम यही रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे हमें फिर से पांच डबल क्रोशा बनाने हैं। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये राउंड जॉइन करके लिया है और नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सेम रिपीट करते जाएंगे। बैक साइड से हम डबल क्रोशा बना के एक चेन लेके फिर पफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पे छह डबल क्रोशा बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेम ही यहाँ पे दो स्टिच बनाएंगे पफ। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और हम ये अब जॉइन करके लेते हैं। हमारा ये कान्हाजी का ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने छह राउंड्स बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप ज़्यादा भी राउंड्स बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।